गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी आपका मैथ क्लास है। तो पिछले क्लास में मैथ में क्या सीखे थे? 1 to 10 तो सीख चुके थे, और उसके बाद उससे कुछ क्वेश्चन था उसे भी आप सॉल्व किए, है ना। तो अभी कुछ क्वेश्चन और है, तो चलिए और से सॉल्व करते हैं, उसके बाद सीखेंगे आगे। देखिए अभी आपको क्या करना है, मैच करना है। क्या करना है? मैच। और मैच मीन्स क्या होता है? मिलाना, यानी मिलान कर, ठीक है। ओ एन ई वन, वन मीन्स क्या होता है? एक, है ना। वन मीन्स एक। एक बार फिर से स्पेलिंग देखते हैं, ओ एन ई वन, वन मीन्स एक। इसमें हम जहाँ वन होगा इसमें पे उसे हम मैच कर देंगे, ठीक है। वन कहाँ है? ये तो 9 है, ये 5 है, ये क्या है? 10, ये 7 है, 6 ये 1 है, है ना। ये 1 है तो इसमें इसको जो है इसमें मैच करेंगे, है ना। कैसे करेंगे? ऐसे, ठीक। तो ये हो गया मैच। और उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है? ई आई जी एच टी, एट। ई आई जी एच टी, एट। एट मीन्स क्या होता है? एट मीन्स आठ, है ना। एट मीन्स आठ होता है। तो इसमें आठ को ढूंढेंगे और उसके बाद जहाँ भी मिलेगा उसे मैच करेंगे, है ना। ठीक है, 9, 5, 10, 7, 1 है, 4, 8, ये है 8, है ना। तो कहाँ मैच करेंगे? 8 के स्पेलिंग को ई आई जी एच जी, 8 को यहाँ मैच करेंगे, ओके। अब ये तो मैच हो गया, इसके बाद देखिए क्या करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? टी एच आर डबल ई, टी एच आर डबल ई, ये क्या हो गया? 3। इसमें 3 कहाँ है? 9, 5, 10, 7, 1, 4, 3 तो मिल ही गया है, 8, 3 मिल गया, ये क्या है? 3। तो इससे यहाँ मैच करें, ठीक है। 3 को 3 में मैच करें, ठीक है। अब ये भी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? 6 S I X 6 S I X 6। आई होप आपने ये सारे वर्ड्स याद कर लिए होंगे। कर लिए होंगे तो अच्छी बात है, और अगर अच्छे से याद नहीं हुआ है तो इसे याद कर लीजिए, ये लास्ट चांस है, ठीक है। 6 कहाँ है? 9, 5, 10, 7, 1, 4, 8, 3, 2, 6, ये है 6, है ना। इसे कहाँ मैच करेंगे? यहाँ, ठीक है। तो ऐसे लेंगे और ऐसे करके मैच कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करना है। एन आई एन ई, किस चीज़ का स्पेलिंग है? 9 का। एन आई एन ई, 9। 9 इसमें कहाँ है ढूंढेंगे? अच्छा, ये फर्स्ट में ही 9 है, है ना। फर्स्ट में 9 है, तो 9 को कहाँ मैच करेंगे? यहाँ नंबर में। ये नंबर नेम है और ये नंबर है, तो नंबर नेम को नंबर से मैच करना है। अब ये देखिए, ये क्या है? टी डब्ल्यू ओ, 2 है, है ना। 2 है, तो 2 को किस में मैच करेंगे? इसमें 2 ढूंढते हैं। 9, 5, 10, 7, 1, 4, 8, 3, 2, यहाँ है 2, है ना। तो इसमें से 2 को कहाँ मैच करेंगे? इसमें, ठीक है। इसके बाद ये किस चीज़ का स्पेलिंग है? 5 का, एफ आई वी ई, 5। अब इसमें 5 कहाँ है? 9, 5। अच्छा, यही पे है, सेकेंड में ही मिल गया। तो 5 को इससे मैच कर देंगे, ठीक है। इसके बाद 7, एस ई वी ई एन, एस ई वी ई एन, 7। 7 कहाँ इसमें ढूंढेंगे? 9 है, 5 है, ये 10 है, ये है 7, है ना। 7 को इससे ऐसे मैच कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या है? 4, F O U R, 4, F O U R।
इसमें बोलेंगे 9, 5, 10, 7, 1, 4, ये 4 है, 4 ही है ना, तो 4 को कहाँ मैच करेंगे, इसमें, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, लास्ट 10, 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
दस, टेन कहाँ है, नाइन फाइव टेन, अच्छा टेन यहाँ है, टेन को इससे ऐसे मैच करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका मैच कंप्लीट। और कितना सा किया, वन टू टेन आपने मैच किया, इसमें फिर से आपने वन टू टेन सीखा है ना। तो फिर से देखिए और देखिए वन कहाँ, टू थ्री, इसमें कहाँ है, थ्री फोर फाइव, फाइव कहाँ है इसमें, फाइव सिक्स, सेवन कहाँ है, यहाँ सेवन, एट कहाँ, एट, नाइन कहाँ, नाइन, टेन। हाँ तो आपने वन से टेन तक कंप्लीट किया फिर से। तो चलिए फिर देखिए अभी आपको क्या करना है आगे। इसमें तो टेन तक आपने कंप्लीट किया, बहुत अच्छी बात है। और आगे देखिए क्या करना है, आगे देखिए आपको क्या करना है, फिल द मिसिंग नंबर, यानी इसमें जो है कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और उसमें से वो जो है मिस किया हुआ है, कुछ नंबर जो इसमें मिसिंग है तो वो आपको फिल करना है। ओके तो ये थ्री है, तो थ्री के बाद इसमें क्या आएगा, थ्री के बाद क्या आता है, फोर, थ्री के बाद फोर आता है ना, वन टू थ्री, थ्री के बाद क्या आएगा, फोर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फोर लिखेंगे है ना, थ्री के बाद फोर, उसके बाद फाइव लिखा हुआ है, थ्री फोर फाइव, उसके बाद फिर यहाँ ब्लैंक है, इसमें क्या आएगा, फाइव के बाद आफ्टर फाइव क्या आएगा, फिर से काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव के बाद क्या आएगा, आपने काउंट किया सिक्स है ना, यहाँ क्या लिखेंगे, सिक्स, ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ सेवन है ना, यहाँ सेवन है, तो सेवन के बाद क्या आता है आपको पता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन के बाद क्या आएगा, एट है ना, एट ही आएगा ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एट, एट के बाद क्या आएगा, यहाँ एट के बाद है ही नहीं है, एट के बाद नाइन, टेन, फिर से यहाँ कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो किससे पहले क्या लिखना है वहाँ पे, तो यहाँ टू लिखा हुआ है, इसका मतलब टू से पहले क्या होगा, स्टार्ट कीजिए टू से पहले, टू से पहले क्या आता है, वन, टू से पहले वन आता है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे, वन, उसके बाद टू के बाद क्या आएगा, थ्री, और थ्री के बाद क्या आएगा, फोर। तो ये क्या आपने कंप्लीट, फिर से मिसिंग नंबर भी कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही आपका वन टू टेन अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा, हो गया होगा ना, चलिए अच्छी बात है। और अच्छे से पढ़िए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर आगे से स्टार्ट होगा। ओके बाय।